देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक में आज तमाम प्रदर्शनकारी एक बार फिर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से समाधान निकल सकता है। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं खटीमा के विधायक और डेप्यूटी अपोजिशन लीडर भुवन कापड़ी जी, उनसे बात करते हैं। कापड़ी जी, आज आपने छात्रों से बात करी है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? आपने उनको समझाने की कोशिश करी है, क्या कह रहे हैं? देखिए, निष्कर्ष तो सारा सरकार के ऊपर है। लंबे समय से बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में बेरोजगार युवा प्रदेश में मांग कर रहा है। पहले उत्तराखंड अंधर सेवा चयन आयोग UK SSSC भ्रष्टाचार का अड्डा, युवा लगातार यही कहता रहा कि इनकी जांच करी जाए, CBI जांच करी जाए, अपराधियों को जेल भेजा जाए। उसके बाद जो सरकार परीक्षा कराए, सरकार की हठधर्मिता, सरकार ने CBI जांच नहीं कराई, STF से जांच कराई, 3 महीने में अपराधी छूट करा गए। उसके बाद UKPSC, मतलब छात्रों के लिए ये हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा, जिसके साक्ष्य विधानसभा में, दोनों आयोगों के साक्ष्य हमने विधानसभा में, इन्हीं छात्रों के माध्यम से विधानसभा में, हमने विधानसभा के पटल पर रखे और सरकार से कहा सरकार इसका संज्ञान ले, इसमें कार्रवाई करे, उसके बाद आगे की परीक्षाएं कराए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार नहीं मानी और परीक्षा करा दी। और 1.5 महीने में ही पटवारी की परीक्षा का, भर्ती परीक्षा का लीक हो जाता है। AE की परीक्षा में गड़बड़ी, JEE की परीक्षा में गड़बड़ी, और छात्र मांग करता है, रातों रात एकत्रित होता है हजारों की संख्या में देहरादून परेड ग्राउंड में छात्र, और ये मांग करता है कि पहले इसकी CBI जांच कराई जाए। सरकार को क्या जल्दीबाजी है परीक्षा कराने की? CBI जांच हो, आयोग को जो है ईमानदार आयोग में अधिकारी चयनित किए जाएं, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाए। सरकार पुलिस के दम पर लाठीचार्ज करती है, रातों रात युवाओं को उठाना चाहती है। अगले दिन फिर युवा एकत्र होता है 10,000 से ज्यादा की संख्या में, सरकार की हठधर्मिता फिर लाठीचार्ज करती है, युवाओं और पुलिस के बीच जो है टकराव हो जाता है। और युवाओं की फिर यही मांग है कि पहले CBI की जांच हो, उसके बाद आगे की परीक्षाएं कराई जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि युवाओं की एक मांग है, अब युवाओं के जो नेतृत्व कर रहे थे उन पे मुकदमे लिखकर जेल भेज दिया गया। अब आप बताइए कि क्या इस सरकार में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? मुझे बड़ा दुख होता है कि अंग्रेजों के समय में भी लोग अपनी बात रखा करते थे, मुकदमे नहीं लगते थे। यहाँ तो अपनी इस आजाद देश में, इस उत्तराखंड में, जिन युवाओं ने इस उत्तराखंड का निर्माण कराया, वो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं CBI की जांच कराइए, उसके बाद परीक्षाएं कराइए। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार लाठी भाजने का काम करती है, युवाओं को जेल भेजने का काम करती है। तो सारे युवाओं के डेलीगेशन ने यही कहा भाई कि उनके नेताओं को पहले छोड़ा जाए जिनको जेल में बंद किया, उसके बाद आगे की वार्ता के लिए अन्य चरणों पर बात की जाएगी। अब जी, पुलिस कह रही है कि अराजक तत्व जो थे वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पथराव किया है, उसके बाद में उनको ले जाया गया है और मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की पुलिस का फेलियर कहूंगा कि जिस पुलिस और विजिलेंस को यही पता नहीं कि हजारों की संख्या में युवा यहाँ एकत्रित होना है, तो इसका तंत्र कितना कमजोर है। और मैं कहता हूं कि छात्रों में अराजक तत्व थे, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के इस टीम में कौन अराजक तत्व थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे, जो पथराव कर रहे थे पुलिस के हाथों में, जो पत्थर देखे गए हैं, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, उसके फोटो भी वायरल हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रदेश की पुलिस की व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि उत्तराखंड के आवाम को भाप नहीं पा रही है? क्या सरकार CBI से क्यों डर रही है, किसे बचाना चाह रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। युवा कह रहे हैं कि आप CBI जांच कराइए, उसके बाद आप परीक्षाएं कराइए, ताकि जो है कि दोबारा परीक्षाएं ना बिके। और सरकार बार बार CBI से क्यों मोड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि लगातार जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके तार सरकार से ही क्यों है, भाजपा से ही क्यों है, किसी अन्य से क्यों नहीं है? तो इसलिए सरकार के ऊपर बात मानने की बात है, जो युवा की मांग है उसे मानना चाहिए और आंदोलन को उसके बाद खत्म करना चाहिए। सरकार ये भी कह रही है कि ये मामले अभी के नहीं है, पिछली सरकार के हैं। अरे, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जिस सरकार के खिलाफ भी हैं, जो भी अपराधी है उनको जेल भेजिए, किस बात का डर है? जब सारे उत्तराखंड का आवाम ये चाहता है कि ये दल से नहीं, ये उत्तराखंड के अस्तित्व का मामला है, उत्तराखंड के युवाओं का मामला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो सरकार को डर किस बात का है? तो सरकार कांग्रेस जो है वो पुलिस मुख्यालय भी मार्च करेगी और DGP का पुतला फूंकने, पुतले के दहन को लेकर भी सूचना है, तो इस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है? देखिए, कांग्रेस धारा 144 से नहीं डरने वाली है, और उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय होगा तो पुलिस जो करना है वो कर ले, कांग्रेस उनके जो समर्थन में करना होगा उसको करके रहेगी। और हम लोग पुलिस मुख्यालय घेराव भी करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन भी करेंगे। हम युवाओं के समर्थन में हर वो कार्य करेंगे जिससे युवाओं को बल मिले, सहयोग मिले। धन्यवाद। तो
कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी का कहना है कि जिस तरीके से यहां पर समीकरण पैदा हुए हैं और जिस तरीके से यहां पर अभी स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस लीडर भुवन कापड़ी ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उससे पुलिस का जो सिस्टम है वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और जो काफ़ी समय से छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, विधानसभा में जब मामला उठाया तो क्यों नहीं सुना गया। कैमरामैन अलबड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।